है भाई। और ये लगा दी हमने बाइक और अभी वहां से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कितना बढ़िया व्यू आता है यहाँ पे। ये देखो भाई क्या तो बढ़िया सा व्यू आ रहा है यहाँ पे। अब पेड़ के नीचे बाइक देखो भाई, और ये पेड़ देखो ना कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हेलो हेलो भाई, क्या रहे? चैनल का नाम क्या है? हाँ भाई, हाँ कहाँ तो हेलो भाई, हेलो हेलो, ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे आलोक? बस ब्रो, एक बार हल्का सा करना भाई। हेलो भाई, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज जो है मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूं और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और फिलहाल मैं जा रहा हूं अभी आप लोगों को बताओ यार। अब आप लोग बोलोगे की भाई अबे साले जी हमें कैसे पता होगा? तो बिल्कुल यार आप लोगों को कैसे पता होगा जब तक मैंने बताया नहीं आपको। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ चंबा। और मेरे साथ जाने वाला है हमारा सौरभ भाई जो कि आगे पे वेट कर रहा है मेन रोड में। तो चलिए फटाफट चलते हैं, उससे मिलाते हैं पहले आपको। हाँ जी क्या हाल है भाई? हैं चले चंबा? या बिल्कुल ब्रो, चंबा चले? हाँ कहाँ जाएंगे? नहीं तो वीडियो कहाँ बनाएंगे? वहाँ चले नीचे पुल में। मैं नहीं बना रहा वीडियो, मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ। चले नीचे? कहाँ नीचे? उसमें कहाँ? ये कहाँ हुआ? सुरंग में। ये कहाँ हुआ? सुरंग में। चल ले कोई और जगह बढ़िया है, आगे चले मसूरी रोड पे कहीं। हाँ चल। टायर पड़ गया? अरे भाई साहब पार्टी तो बनती है न्यू टायर की। तो चले भाई अभी चलते हैं आगे चंबा के लिए। और एंगल कमेंट करके बताना भाई कैसा आ रहा है। और अभी सौरभ भाई ने भी अपना टायर चेंज कर दिया है, उसने भी सेम टायर डाला जो कि मैंने और अनमोल ने डाल रखा है अपोलो H1। बस एक बार फ्रंट में पड़ जाए ना भाई तब तो मजा ही आ जाएगा। ये वीडियो यार काफ़ी लेट आने वाली है और वैसे भी 3-4 दिन हो गए मैंने यूट्यूब में कोई वीडियो डाली नहीं है। और वीडियो ना आने का कारण है शादियाँ और मेरे। A few moments later. तो भाई ये पहुंच चुके हैं हम अपना चंबा मार्केट। रवि चलते हैं थोड़ा आगे मसूरी वाले रूट पे।
रहा बेटा सौरभ अभी बड्डे में। चलो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मसूरी वाली रोड पे, और बाकी यहाँ से देख लो व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। अभी सामने किसी ने आग लगा रखी बहुत भयानक ढंग से। और आजकल जो है रोड थोड़ी रिनोवेट हुई है, इसमें आजकल फिर से उन्होंने कोस्टर वगैरह डाला है। पता नहीं कहाँ उठ रहा, अकेला अकेला आगे। यहाँ भी क्यों रुका बे, आगे चले। अबे रोड पतली, यहाँ पे कैसे बनाएगा रील? तो गाइस यहाँ पे खींचते थोड़ा बाइक, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी ना रोड सीधी है। आप आग में इतनी जोर से लगाना कुछ। ओ भाई सिट 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 यार, ये दिक्कत है वाइजर खोल के चलाने में। और वाइजर लगा रहा हूँ तो सामने से चमक रहा है बहुत खतरनाक ढंग से। यार एक काम करते ना, आपको ना पैर का सनसेट दिखाने के लिए ले जाते हैं हम चाणा ताल में। और अभी वैसे वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं है, पर एक बार सौरभ भाई को बोल के देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ ऊपर ना बहुत प्यारा व्यू आएगा इस टाइम पे। तो चले गए तभी चलते भाई अंदर। कौड़िया बोलते हैं इसको, कौड़िया कौड़िया बोलते हैं, ठीक है इसको। और इधर देखो भाई क्या ही अंधेरा हो रखा है, मतलब इतनी नहीं शांति यहाँ ना, और इतना ठंडा। ओए होए भाई साहब, इधर होती है जंगल सफारी। नीचे पे जीप लगी थी ना इतनी सारी, तो वहाँ पे होटल एक महिंद्रा क्लब करके, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो जिन लोगों को भाई जंगल सफारी करनी होती है ना, वो वहाँ से जीप ले सकते हैं। बाकी अपनी जंगल सफारी तो भाई बाइक पे हो जाती है। भाई 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 क्या गड्ढे इधर, भाई ला भाई ला भाई। और छोरा अभी इतना इजी हो रखा है ना भाई साहब ये, क्योंकि अभी सूख रखे ने। और आपको कुछ टाइम पहले कब लोगों का याद होगा ना, जिस टाइम हम बारिश में आए थे यहाँ भाई, क्या तो बाइक फिर ली थी हम सब की। ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसकी बाइक गिरी नहीं थी बस। हाँ नितिन भाई था जो यहीं रहता है कणाताल में, उसकी बाइक भी फिसली थी बस NS 200। बाकी हम सब की बाइक भाई एक ना एक बार फिसली थी यहाँ पे। बवाल की करे इतने सारे गड्ढे। भाई मजा तो वही सनसेट देखने में, तो वो तो ऊपर जाके दिखेगा खैर हमको। देखो ये आगे जाएगा, मेरे को पता था क्योंकि अभी तक मैं इसको धूल खिला रहा था, अब ये मुझे धूल खिलाएगा। ये बेटा बहुत तेज आदमी है। अरे भाई साहब ये गड्ढे की मजा आ गए। अब बेटे आराम चल ले। अबे कन मुड़दा मरिए छोरा को, बेटा ने दूध दूध करा ली। अबे यार जी क्या मन किए साला ये। अब मैंने ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक पहन रखा है भाई, ऐसा हो जाऊंगा ना। थोड़ा वेट करते हैं धूल को हटने देते हैं ना, तब तक आप लोग यहाँ से देखो व्यू। बस थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है प्यारा सा। और बाकी इस तरफ भी शायद से कोई कैफे है बढ़िया सा यार। चले गाइस चलते हैं ऊपर, 1 2 3 लेट्स गो ब्रो।
आ गया दिल पे सारे तुले तुम्हारी शरणा। ओ भाई भाई एक कार है, एक कार बाड़ू भाई, यहाँ पे लोग रोड सही क्यों नहीं करते भाई। लो भाई ये लगा दी हमने बाइक, और अभी वहां से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कितना बढ़िया व्यू आता है यहाँ पे। ये देखो भाई क्या तो बढ़िया सा व्यू आ रहा है यहाँ पे, अब पेड़ के नीचे बाइक देखो भाई, और ये पेड़ देखो ना कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सामने गांव भी है हमारा, और बाकी मानसून के टाइम पे जो है ना यहाँ सामने पूरे बादल लगे होते हैं, इतना क्लीन हिमालय दिखता है ना यहाँ से, एक नंबर व्यू आता भाई, एक नंबर व्यू। और बाकी सनसेट यहाँ से होने वाला है हमारा, ओए होए जन्नत में आ गए भाई हम। भाई मतलब भाई क्या व्यू आ रहा है भाई साहब, ये देखो ना टू बीट। तो वैसे भी देखो भाई सनसेट होने में सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड बाकी है, सन आधा तो सेट हो चुका है, बाकी भाई क्या ही व्यू आ रहा है यार यहाँ से। इस व्यू को एंजॉय करने के लिए आए थे हम यहाँ पे, क्यों सारा भाई। और बाकी वो पेड़ तो भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ तक दिन वाह गया हम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई मैंने अभी नोटिस किया मेरा ना GoPro का सुपर व्यू से वाइड एंगल पे हो गया था ये, तो बाइक का बस इतना सा पार्ट दिख रहा था, शुक्र भाई मैंने नोटिस कर लिया, नहीं तो पूरा ब्लॉक खराब हो जाता आज का। ओरे रे रे रे। तो चलेगा अभी आपसे मिलेंगे सीधा मेन रोड पे, क्योंकि इस रोड की हालत आप देख सकते हो भाई। और आप लोगों को मैं अपना बाइक का डांस नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि इस रोड पे बाइक बहुत भयंकर डांस करती है, एकदम डिस्को टाइप डांस करती है। सौरभ भाई देखो ना फुल फायर हो चुका है, न्यू टायर क्या लगाया बंदे ने भाई, फुल फायर। कौन है बे, क्या बोल रहा घर क्या कर रहे वहां पे, क्या कर रहे वहां पे। हेलो भाई क्या हो रहा है जी रहा। हाँ भाई हाँ कौन तो हेलो भाई हेलो हेलो ये क्या कर रहे हो वहाँ पे आलोक, बस ब्रो एक बार हल्का से करना भाई चल रहा है। हाँ हाय गाइस अब तेरे बिना यहाँ